एक में एक कर उधर बाकी खाली रहेगा तो एक में एक कर कुछ बाइक है उसको टेबल लेते ना कहाँ नो तब कुर्सी डाल में कुर्सी लेते हैं अरे भाई कैसे हैं आपको कैसे रोटेशन ऑन करके एक में एक कर उधर नहीं बाकी खाली रहेगा तो एक में एक कर कुछ बाइक है उसको टेबल लेते ना कहाँ नो तब कुर्सी डाल में कुर्सी लेते हैं अरे भाई कैसे हैं आपको कैसे रोटेशन ऑन करके मैंने कल उनका बयान सुना और जिस तरह से संजय राउत जी बोले खोखे की पार्टी, इस तरह से मैंने सुना उनका बयान। मैं माननीय संजय राउत जी को बताना चाहता हूं कि अब उनके पास तो खोखा भी नहीं बचा है। अरे उनके नीचे से मुख्यमंत्री की कुर्सी शिंदे साहब उठा के ले गए और ये लोग देखते रह गए। अब पार्टी भी ले गए, सिम्बॉल भी ले गए, सब कुछ तो इनके पास चला गया है, तो अब इनके पास बचा क्या है? और ये दूसरे को खोखा बता रहे हैं, समता पार्टी को बताए हैं, तो ये इनके पास तो खोखा भी नहीं है, कुछ है ही नहीं इनके पास। जिनके पास था उनको चला गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है और इस जयंती पर मुझे मुंबई आने का मौका मिला है। समता पार्टी जो है इनकी जयंती को आज मना रही है मुंबई में, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो शिवसेना को लेकर चल रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को जो शिवसेना जो पार्टी है वो, और चुनाव चिन्ह जो उनको अलॉट हुआ है उसके लिए भी उनको हम लोग बधाई देंगे मिल करके। और अब शिवसेना का जो मैटर है वो तो क्लियर हो चुका है, शिवसेना का नाम सिंबल सारा चीज़ अलॉट हो चुका है, तो अब हम लोगों का जो सिंबल है, समता पार्टी का जो सिंबल है मशाल चुनाव चिन्ह, उसको क्यों अटका करके रखा गया है? और ख़ास करके आज महाराष्ट्र की टीम यहाँ पर जो समता पार्टी की टीम है, हम लोग सब लोग विचार करके, और हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि जो हमारा सिंबल है ये कहीं ना कहीं हमारा सिंबल फंस गया है। शिवसेना का जो था सारा मैटर क्लोज हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि कौन असली शिवसेना है कौन नहीं है, लेकिन जो समता पार्टी का सिंबल है मशाल, उसको अब किसी और पार्टी को देने का कोई औचित्य नहीं है। इसी को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और आगे की रणनीति हमारी है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। ऐसा देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम लोग का जो सिंबल है 2022 में पिछले साल फिर से अलॉट हुआ था, जो ये मैटर सब चल रहा था उसके बाद भी हम लोग को ये सिंबल अलॉट हुआ था यूपी के निकाय चुनाव में। और समता पार्टी जो बिहार की एक बड़ी पार्टी है, आज भी वहाँ पर लोग मशाल चुनाव चिन्ह के नाम से ही समता पार्टी को जानते हैं। दो राज्यों में हमारी सरकार रही है और कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग से गलती हुई है और कहीं ना कहीं शिवसेना से भी गलती हुई है। इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप जब चुनाव चिन्ह का जो सिलेक्शन करेंगे वो आपको देखना चाहिए, क्या उनके पास कोई जो है अच्छा आदमी नहीं था बताने के लिए कि ये कौन से पार्टी का है और बाद में विवाद हो सकता है? उनको भी ये पता था कि ये सिंबल जो है समता पार्टी का है और आगे चल करके विवाद होगा,
लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने इसका सिलेक्शन किया है और माननीय चुनाव आयोग से हम लोग निवेदन किए हैं, कल हमने अपील किया है कि जब ये गुट अलग हुआ था तो इसको एंट्रीम ऑर्डर के तहत ओनली अंधेरी जो विधानसभा चुनाव था उसके लिए सिंबल अलॉट किया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके फिर से जो महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन है वहाँ तक कर दिया गया है, लेकिन आगे अगर उसको बढ़ाया जाएगा इसके लिए हम लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर करेंगे और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हम लोग के इनके मैटर से कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना जिनको मिलना था मिल गया, अगर उद्धव ठाकरे जी को भी मिलता उनके पक्ष में भी आता तो हम उनको भी बधाई देते हैं।